प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्योते पर वे उनके आवास पर जाएंगे। कार्यक्रम साथ में डिनर का है। बताया जा रहा है कि इसी डिनर के दौरान पीएम मोदी डाइनिंग मीटिंग करेंगे। इस डाइनिंग मीटिंग में सीएम योगी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भी रहेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रियों को सुबह तक लखनऊ पहुंचने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उनके आवास पर जाएंगे। सीएम योगी के इस डिनर न्योते में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन वे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दर्शन करेंगे। वहां पर वापसी के बाद वे कुशीनगर हवाई अड्डे पर आएंगे। यहां से लौटते हुए वे शाम तक सीएम योगी के आवास की ओर रवाना होंगे। सीएम योगी के डिनर में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सभी 52 मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। इसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इनके साथ साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 कालिदास मार्ग पर इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि डिनर से पहले पीएम मोदी की योगी कैबिनेट के साथ एक खास बैठक होने जा रही है, जो लगभग 3 घंटे के आसपास चलेगी। इस बैठक को लेकर चर्चा ये है कि इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री बारी बारी से अपने मन की बात पीएम और सीएम से साझा करेंगे, जिसके लिए सभी को 3-3 मिनट का वक्त दिया गया है। इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम और फिर सीएम का छोटा सा संबोधन भी होगा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश कैबिनेट को संबोधित करेंगे। इस बैठक और डिनर को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का ये दौरा 2024 के आम चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में उत्तर प्रदेश शासन को कोई खास मंत्र दे सकते हैं। चर्चा है कि इस दौरान उन तमाम योजनाओं पर भी बात हो सकती है जो बेहतर ढंग से लागू हो चुके हैं। साथ ही उन योजनाओं की खामियों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें कुछ कमियों की वजह से पूरी तरह जमीन पर नहीं उतारा जा सका है। राजनीतिक पंडितों का इसे लेकर कहना है कि उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसे बीजेपी बेहद संजीदगी से ले रही है। ऐसे में 2024 के आम चुनाव को लेकर वो जनता का मन बीजेपी की ओर बनाए रखने के तमाम यत्न करते दिखाई दे सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सीएम योगी के आवास पर 20 जून 2017 को भी डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, जिसमें वे दोनों तो नहीं पहुंचे थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव जरूर उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद अब साल 2022 में सीएम के आवास पर पीएम और यूपी कैबिनेट को डिनर का न्योता भेजा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।